नीतिवचन अध्याय छे। नीतिवचन अध्याय छे। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायित्व हुआ हो तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चुटियों के पास जा, उनके काम ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है और न प्रधान न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटा रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन साथ है जिससे उसके प्राणों को भुना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लोहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रहा और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष नैनों से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुड़ाए वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निर्बुद्ध है और अपने प्राणों को नाश करना चाहता है। वह ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन रखने से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा।